विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर भयंकर बवाल, तब सुनील गावस्कर की बैटिंग देख लोग सो गए थे। महान सुनील गावस्कर और विराट कोहली के बीच स्ट्राइक रेट बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने लिटिल मास्टर को 1975 विश्व कप में खेली गई 176 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी की याद दिलाई है। तब भारत इंग्लैंड से 202 रनों से हार गया था। विराट कोहली ने आलोचकों को क्या कहा था? खैर, सबसे पहले जानते हैं कि विराट कोहली ने अपने आलोचकों को लेकर क्या कहा था। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के बाद कहा था, वे सभी लोग जो मेरे स्ट्राइक रेट और मेरे स्पिन को अच्छी तरह से नहीं खेलने के बारे में बात करते हैं, वे ही लोग हैं जो इन चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ गेम जीतने के बारे में है। यही मैं 15 वर्षों से करते आ रहा हूं। टीम को जितवाने के लिए हर दिन करता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप उस स्थिति में नहीं है तो बैठकर बॉक्स कमेंट्री बॉक्स से खेल के बारे में बात करें। लोग खेल पर अपने विचारों और धारणाओं के बारे में बात कर सकते हैं। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के जवाब में क्या क्या कहा? उन्होंने विराट कोहली के जवाब में कहा, मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं, मैं बहुत अधिक मैच नहीं देखता, इसलिए मुझे नहीं पता कि अन्य कमेंटेटरों ने क्या कहा है। लेकिन अगर आप आते हैं और ओपनिंग करते हैं और फिर 14वें या 15वें ओवर में आउट होने पर आपके पास 118 की स्ट्राइक होती है और आप इसके लिए तालियां चाहते हैं, तो यह थोड़ा अलग है। उन्होंने आगे कहा, ये सभी लोग खिलाड़ी बात करते हैं, ओह हमें बाहरी शोर की परवाह नहीं है। अच्छा, तो फिर आप किसी भी बाहरी शोर या जो भी हो उसका जवाब क्यों दे रहे हैं? हम सभी ने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, बहुत अधिक क्रिकेट नहीं। हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, हम जो देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी कोई पसंद ना पसंद हो, भले ही हमारी पसंद ना पसंद हो, हम वास्तव में जो हो रहा है उस पर बोलते हैं। महान गावस्कर भूल गए विश्व कप में खेली गई 174 गेंदों में 36 रन की पारी। ये वो मुद्दा है जब महान गावस्कर की बात एक हद तक सही है, लेकिन इसके साथ ही स्ट्राइक रेट के इस बवाल ने एक अलग ही मामले को तुल दे दिया है, खासकर सुनील गावस्कर की एक पारी को लेकर। 1975 विश्व कप में खेली गई उनकी 36 रनों की पारी शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाया होगा। गावस्कर ने 7 जून 1975 को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 176 गेंदों का सामना किया था, जबकि सिर्फ 36 रन बनाए थे। इस पारी में उनके बल्ले से एक चौका निकला था, जबकि 20.68 था। उस समय सब लोग सो गए थे क्या? जब गावस्कर ने इतनी बड़ी पारी खेली थी तब पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा था। तब उन्हीं ने नाबाद रहकर इतनी महान पारी खेली थी, वो भी इतने महान स्ट्राइक रेट से, और अब विराट कोहली पर इतने हल्के स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। मेन चीज मैच जीतना है, जो आरसीबी ने जीत लिया था, पर गावस्कर की इस पारी की वजह से भारत को एक शर्मिंदा हार झेलनी पड़ी। तो पहले लोगों को थोड़ा अपने हिसाब से देखना चाहिए, सीधे किसी को बुरा साबित करने के लिए बिना सोचे समझे सीधे निशाना नहीं लगाना चाहिए। इस पर मुझे कबीर जी का एक श्लोक याद आ रहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई।